क्या आपको ये पता था कलियुग में राक्षस कली का प्रभाव है, लेकिन ये कली राक्षस का जन्म कैसे हुआ? कथा के अनुसार कली एक क्रोध का बेटा है, मोह का पोता है और अधर्म का पर पोता है। समुद्र मंथन के समय शिवजी ने हलाहल पिया था, तब कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी थी। कुछ जीव ने ये बूंदे चखी थी, वे बिच्छू, सांप, मकड़ी और कई जहरीले जीव बने। बूंदे ऐसी थी जो कई हजारों साल बाद विकसित हुई और एक राक्षस रूप में आई, वह कली है। कली एक भयानक और बुरा प्रभाव है। फिर इसे एक शरीर मिला और ये तब तक बाहर नहीं आया जब तक भगवान यहाँ पे थे। सतयुग में, फिर श्री राम त्रेता युग में, श्री कृष्ण द्वापर में। भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह छोड़ने के बाद अर्जुन के पर पोते राजा परीक्षित से ये मिला। वहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई। कली वहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जहाँ पर अधर्म, क्रोध और मोह आ जाता है। जिसके घर में धर्म का संचार होता है, पूजा पाठ होती है, वहाँ पे संस्कार पनपते हैं, और जहाँ पे संस्कार होते हैं वहाँ पे कली का प्रभाव कभी नहीं हो सकता।